News.in राजद युवाओं पर खूब जोर दे रहा है। तेज प्रताप यादव भी कार्यालय पहुंचे थे आज। उन्होंने भी कहा कि पार्टी में युवाओं की भूमिका लगातार बढ़ेगी। हमारे साथ राजद के पटना जिला उपाध्यक्ष सत्यानंद है। सत्यानंद, लाइव सिटीज पे आपका स्वागत है। तो क्या लग रहा है, तेजस्वी भी युवाओं पे भरोसा करेंगे इस बार? तेजस्वी युवा पे भरोसा कर रहे हैं, युवाओं ही मिलकर तेजस्वी को आगे बढ़ाएंगे, या फिर बिहार में जो नीतीश कुमार कर रहे हैं अपना सीट शेयरिंग के में पड़े हुए हैं, और अपना जो भी यहाँ पे हत्या रोज चल रहा है, और देखिएगा कि जब राजद का सरकार था तब यहाँ पे का क्राइम कंट्रोल देखिएगा, और जब भाजपा के साथ मिल के गए हैं तब से यहाँ हत्या कितना हो रहा है रोज, उस पर आप नज़र डालिएगा कि क्या हो रहा है यहाँ। तो ये जंगल राज नहीं, महाजंगल राज है। आप अच्छा। लालू यादव को जंगल राज कहते थे, लेकिन आप खुद क्या कर रहे हैं उनको देखिए। तो सरकार तो पस्त है ही, लेकिन पार्टी में आप लोग की भूमिका बढ़ रही है। मेरा जानना था कि जैसे तेजस्वी यादव खुद युवा हैं, तो पार्टी में युवाओं को क्या जिम्मेदारी सौंपी जा रही है? बिहार, सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे भारत में जो मोदी युवा को ठगने का काम किए हैं, एक भी युवा उनके साथ नहीं है, खाली जुमलेबाजी किए हैं। नीतीश कुमार उनका साथ दे रहे हैं। तो जितना भी भारत के युवा हैं, राहुल गांधी और तेजस्वी भैया के साथ हैं, तेज प्रताप भैया के साथ हैं, नीतीश कुमार का तो राजनीतिक अस्तित्व उनका ख़त्म होने जा रहा है। अच्छा। कोई उनको पाँच साल दस साल के बाद कोई उनको पहचानने नहीं जा रहा है। आ रहा है युवा का युग, आ रहा है युवा आएंगे, और तेजस्वी भैया तेज प्रताप का बोलबाला होगा। तो हम लोग आगे देख सकते हैं, 2019 का चुनाव नज़दीक है, 40 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है महागठबंधन, तो युवा चेहरा भी दिखेंगे हमको चुनाव में? बिल्कुल दिखेंगे, ज़्यादातर युवा चेहरा ही दिखेंगे। आप किसकी तैयारी में हैं, 19 या 20? अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, 19 तो कुछ कहा नहीं जा सकता, 20 भी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन फिर देखिए क्या होता है। तो आप लोग पार्टी के लिए युवाओं को जोड़ रहे हैं, क्या मैसेज लेकर जाते हैं लोगों के बीच? अब जितना युवा भी हैं बिहार के, ज़्यादातर बिहार के, वो युवा अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं तेजस्वी भैया को, तेज प्रताप भैया को, और जो लालू यादव जेल में बंद हैं, जो मोदी जी कर रहे हैं अपना पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं, तो सबके नज़र में है ही ना। जो नेता है महागठबंधन के, वो कहते हैं कि सामाजिक न्याय की पार्टियों को एक करेंगे, भाजपा आरएसएस से मुक्त करेंगे। जब आप युवाओं के बीच जाते हैं तो इस मुद्दे पर युवा आपसे जुड़ते हैं? बिल्कुल जुड़ेंगे। भाजपा के पास मुद्दा क्या, खाली हिंदू मुस्लिम को लड़ाना, और क्या युवा को बोले कि ये नौकरी देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, क्या किया आज तक 5 साल में, क्या किए हो? कुछ नहीं किए, तो कि युवा उनके साथ क्यों जाएगा, किसका साथ देगा युवा? आपका कहना है कि बिहार का जो युवा है अब तेज तेजस्वी, बस एकदम ब्लाइंड सपोर्टर है। तो आप पटना जिला उपाध्यक्ष का रोल अदा करते हैं, कुछ खास जिम्मेदारियाँ आपको यहाँ पर मिली? जिम्मेदारी तो मिली ही है, बस युवाओं को जोड़ना है, जितना ज़्यादा हो सके युवाओं को जोड़ना है हम लोग को, और क्या। मतलब आगे जो आने वाले कार्यक्रम हैं उसमें हमें आप और आपके जो कार्यकर्ता और जो युवाओं का जो बढ़ रहा, जोर शोर से देखने को मिलेंगे आपको, जितना युवा हो सके आपको जोर शोर से देखने को मिलेंगे। अच्छा, तेजस्वी भैया के जो भी सभाएं हो रही है उसमें जितना युवा लोग आ रहे हैं, कि नीतीश कुमार जुड़ा सकते हैं उतना युवाओं को? नीतीश कुमार के सभा में आते हैं उतने लोग जितना तेजस्वी भैया अभी में युवाओं आते हैं उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए? अच्छा, तो आप लोग की मीटिंग होती होगी, आपसे भी सलाह मशवरा करते होंगे तेजस्वी? सलाह मशवरा बिल्कुल, एकदम सलाह मशवरा बिल्कुल करते हैं, हमेशा करते हैं। चलिए ठीक है, तो फिर छात्र जो हैं, मतलब युवा जो हैं, हालांकि सत्यानंद पटना जिला के उपाध्यक्ष हैं राजद में, लेकिन युवा हैं, और इनका कहना है कि तेजस्वी युवाओं पर भरोसा कर रहे हैं। आने वाले चुनावों में तो चेहरा दिखेगा ही, लेकिन उससे पहले भी जो कार्यक्रम होते हैं उसमें भी, और प्लस जो विचारधारा को लेकर राजद और महागठबंधन चल रही है उससे युवा जुड़ना चाहते हैं, जुड़ रहे हैं। बहरहाल, अब युवाओं पर कितना भरोसा किया जाता है आने वाले चुनाव में, यह तो देखना होगा। लेकिन बिहार से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं। शुक्रिया।